हेलो स्टूडेंट, ये क्लास DRT फर्स्ट ईयर के लिए, जिसमें अपना सब्जेक्ट है रेडियोग्राफी फर्स्ट पोजिशनिंग। अपना टॉपिक चल रहा है स्कल रेडियोग्राफी, स्कल की पोजिशनिंग, जिसमें अपन ने पीछे पढ़ लिए थे स्कल के एपी व्यू, स्कल का लेटरल व्यू, नेजल बोन के लिए लेटरल व्यू और ओक्लूजल व्यू। अब अपने पढ़ेंगे स्कल के पीए व्यू। स्कल पीए व्यू और ऑक्सीपिटो फ्रंटल व्यू। पीए व्यू का दूसरा नाम क्या होता है? ऑक्सीपिटो फ्रंटल व्यू। ऑक्सीपिटल बोन से फ्रंटल बोन की तरफ एक्सरेज आएगी, यानी पीछे से आगे की तरफ एक्सरेज आएगी, तो कौन सा व्यू हो गया? ऑक्सीपिटो फ्रंटल व्यू। आल पीए व्यू विद बीम एंगुलेशंस। यहाँ सारे पीए व्यू बताए गए हैं, जिनके क्या क्या एंगल से अपने व्यू लेते हैं। फर्स्ट है अपना पीए व्यू विद 0 डिग्री एंगल, यानी जिसमें कोई भी एंगल नहीं होगा, उसको क्या बोलते हैं अपने? ट्रांस ऑर्बिटल व्यू। सेकंड है पीए व्यू विद 10 डिग्री काउडियल एंगल, जिसको अपने क्या बोलेंगे? पर ऑर्बिटल व्यू। थर्ड अपना पीए व्यू विद 15 डिग्री काउडियल एंगल, इसको क्या बोलते हैं अपने? कोल्डवेल व्यू। नेक्स्ट है पीए व्यू विद 20 डिग्री काउडियल एंगल, और लास्ट है अपना पीए व्यू विद 30 डिग्री सिफेलिक एंगल, जिसको अपने क्या बोलेंगे? रिवर्स टाउन्स व्यू। टाउन्स व्यू कौन सा था अपना? जिसमें एपी व्यू था 30 डिग्री काउडियल एंगल था। इसमें क्या होगा? पीए व्यू होगा और 30 डिग्री सिफेलिक एंगल होगा, तो ये व्यू हो गया रिवर्स टाउन्स व्यू। अब अपने पहले व्यू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना पीए व्यू विद 0 डिग्री एंगल, यानी कोई भी एंगल नहीं होगा, इस व्यू को अपने क्या बोलते हैं? ट्रांस ऑर्बिटल व्यू। इसका इंडिकेशन रहेगा फ्रैक्चर एंड पैथोलॉजी कंडीशन। कैसेट साइज क्या रहेगा? 8 10 और 10 12 का। नेक्स्ट बात करते हैं पोजीशन ऑफ पेशेंट की। पेशेंट की पोजीशन क्या रहेगी? तो पीए व्यू है तो पेशेंट की पोजीशन क्या रहेगी? प्रोन। तो पेशेंट प्रोन ऑन द एक्सरे टेबल इन ट्रू पीए पोजीशन। पेशेंट को टेबल पर उल्टा लेटाते हैं पीए पोजीशन में। नेक्स्ट है पेशेंट मिडल सजाइटल प्लेन परपेंडिकुलर टू द टेबल। पेशेंट का मिडल सजाइटल प्लेन क्या होगा? टेबल के परपेंडिकुलर होगा। पेशेंट ईयर पिना आर इक्वल डिस्टेंस टू द टेबल। पेशेंट की ईयर पिना टेबल से इक्वल डिस्टेंस पर रहेगी। पेशेंट इंट्रा ऑर्बिटल लाइन और इंट्रा प्यूपिलरी लाइन आर पैरेलल टू द टेबल। पेशेंट की इंट्रा ऑर्बिटल और इंट्रा प्यूपिलरी लाइन क्या रहती है? टेबल से पैरेलल रहती है। नेक्स्ट है पेशेंट ऑर्बिटोमेटल लाइन इज परपेंडिकुलर टू द टेबल। पेशेंट की ऑर्बिटोमेटल लाइन क्या होगी? टेबल से परपेंडिकुलर होगी। उसके बाद है इमोबिलाइज द हेड बाई नॉन रेडियो ओपेक पैड्स एंड सैंड बैग। हेड को नॉन रेडियो ओपेक पैड्स या सैंड बैग से स्थिर करते हैं। उसके बाद आती है पोजिशन ऑफ कैसेट। कैसेट की पोजिशन कहाँ रहेगी? जैसा कि अपन ने स्कल के पिछले व्यू में देखा था, कैसेट की पोजिशन कहाँ पे थी? वर्टेक्स से 1 इंच ऊपर। तो वही इस पोजिशन इस व्यू में रहेगी। कैसेट अपर बॉर्डर शुड बी
1 इंच अबव टू द वर्टेक्स ऑफ स्कल। कैसेट के अपर बॉर्डर कहाँ पे रहती है? 1 इंच अबव स्कल के वर्टेक्स पार्ट से। नेक्स्ट सेंटरिंग, तो सेंट्रल रे ओवर द एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटोबरेंस एट राइट एंगल टू द फिल्म। सेंटरिंग कहाँ पे करेंगे अपने? एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटोबोन्स होता है जो अपने हेड के पीछे ऑक्सीपिटल बोन होती है जिसका उभरा हुआ भाग होता है, अपने जो पाल्पेबल होता है, फील होता है, उसको क्या बोलते हैं अपने? प्रोटोबोन्स। उस पर अपने बिल्कुल सेंटरिंग करते हैं। देखो इस डायग्राम में दिखाया गया है पेशेंट का मिडल सजाइटल प्लेन क्या है, टेबल के परपेंडिकुलर है, पेशेंट बिल्कुल प्रोन लेटा हुआ है, पेशेंट की ऑर्बिटोमिटल लाइन, ऑर्बिट से मिटस तक की लाइन क्या है? टेबल के परपेंडिकुलर रहती है। पेशेंट इंट्रा ऑर्बिटल और इंट्रा प्यूपिलरी लाइन जो दोनों ऑर्बिट्स के बीच में होती है वो क्या रहेगी? टेबल के पैरेलल रहेगी। पेशेंट की ईयर पिन्ना, दोनों ईयर पिना क्या रहेगी? टेबल से इक्वल डिस्टेंस पर रहती है। और कैसेट देखो कहाँ लगी हुई है, ये पेशेंट टेबल पे प्रोन लेटा हुआ है, कैसेट कहाँ लगी है? टेबल के नीचे बक्की में। अब इसकी सेंटरिंग देखो, सेंटरिंग कहाँ है? जो ये उभरा हुआ भाग अपने को दिखाई देता है, जहाँ अपने को पीछे फील होता है, उसको बोलते हैं अपने ये ऑक्सीपिटल बोन का पार्ट है, तो ऑक्सीपिटल प्रोटो ब्रेन्स। उस पे बिल्कुल अपने सीधे सेंटरिंग करेंगे। उसके बाद बात करेंगे रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस की, कि अपने को रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस क्या दिखाई देता है। द फ्रंटल बोन विद सूचर्स इज वेल सीन। फ्रंटल बोन अब वो क्या अपने को क्लियरली सीन होती है। ऑल फेशियल बोन्स आर सुपर इम्पोज ऑन बेस ऑफ स्कल। तो सभी फेशियल बोन्स वो क्या है? सुपर इम्पोज होती है स्कल के बेस पे, बेस ऑफ स्कल पे। नेजल सेप्टम ऑन ईच साइड इज क्लियरली सीन। नेजल सेप्टम क्या है? अपने को नेजल बोन के दोनों तरफ क्लियरली सीन होता है। टीथ आर सुपर इम्पोज ऑन अपर सर्वाइकल स्पाइन। अपने टीथ क्या है? अपर सर्वाइकल स्पाइन पे सुपर इम्पोज होते हैं। उसके बाद क्या है? द पेट्रस राइज्ड शुड बी कंप्लीट सुपर इम्पोज विद इन ऑर्बिट। जो अपना पेट्रस पोर्शन होता है टेम्पोरल बोन का, उसके राइज्ड किनारे शुड बी कंप्लीट सुपर इम्पोज, ऑर्बिट्स पे पूरे सुपर इम्पोज होते हैं। इसमें अपना एक्सपोजर रहेगा, डिस्टेंस 92 100 सेंटीमीटर, केवी रहेगा अपना 72 80, एमएस रहेगा 80, और ग्रेड का यूज करेंगे क्योंकि टेप कैसेट क्या है? टेबल के नीचे बक्की में लगी होती है, तो ग्रेड उसमें ऑलरेडी लगी होती है, और जहां अपने हाई एक्सपोजर यूज लेते हैं वहां पे अपने ग्रेड का यूज करते हैं। उसके बाद आता है अपना सेकंड व्यू, पीए व्यू विद 10 डिग्री काउडियल एंगल। ये पीए व्यू करेंगे, इसमें काउडियल एंगल देंगे 10 डिग्री का, यानी फुट की तरफ एंगल देंगे। इस व्यू को अपने क्या बोलते हैं? पर ऑर्बिटल व्यू। ये इसका स्पेशल नेम है, व्यू क्या है? स्पेशल नेम से भी आ सकते हैं। तो पीए व्यू विद 10 डिग्री काउडियल एंगल, यानी फुट की तरफ 10 डिग्री का एंगल देंगे। इस व्यू को क्या बोलते हैं? पर ऑर्बिटल व्यू। इसके इंडिकेशन रहेगी फ्रैक्चर एंड पैथोलॉजी कंडीशन। कोई भी फ्रैक्चर हो गया है या कोई पैथोलॉजी कंडीशन है, उस चीज को अपने देखने के लिए ये व्यू करेंगे। उसके बाद है कैसेट साइज। तो कैसेट साइज कितना रहेगा अपना? 8 10 और 10 12।
नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट की पोजीशन कैसे रहेगी। पेशेंट प्रोन ऑन द एक्सरे टेबल इन ट्रू पीए पोजीशन। इससे पहले वाला भी क्या था, पीए व्यू था जिसमें 0 डिग्री एंगल था, यह क्या है पीए व्यू विद 10 डिग्री काउडियल एंगल है। तो इनमें पोजीशन, पेशेंट की पोजीशन वो पूरी सेम रहती है। प्रोन ऑन द एक्सरे टेबल इन ट्रू पीए पोजीशन, पेशेंट क्या है एक्सरे टेबल पर उल्टा लेटेगा पीए पोजीशन में। पेशेंट मिडल सजाइटल प्लेन परपेंडिकुलर टू द टेबल, पेशेंट का मिडल सजाइटल प्लेन क्या होगा, टेबल के परपेंडिकुलर होगा। पेशेंट ईयर पिना आर इक्वल डिस्टेंस टू द टेबल, पेशेंट की ईयर पिना टेबल से इक्वल डिस्टेंस पे रहती है। पेशेंट इंट्रा ऑर्बिटल लाइन और इंट्रा प्यूपिलरी लाइन आर पैरेलल टू द टेबल, पेशेंट की इंट्रा ऑर्बिटल और इंट्रा प्यूपिलरी लाइन टेबल के पैरेलल रहेगी। नेक्स्ट है पेशेंट ऑर्बिटोमीटर लाइन इज परपेंडिकुलर टू द टेबल, पेशेंट की ऑर्बिटोमीटर लाइन क्या होगी, टेबल के परपेंडिकुलर होगी। उसके बाद इमोबिलाइज द हेड बाय नॉन रेडियो ओपेक पैड्स एंड सैंड बैग, हेड को क्या है नॉन रेडियो ओपेक पैड्स से और सैंड बैग से इमोबिलाइज करते हैं। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ कैसेट, कैसेट की पोजीशन कहाँ रहेगी, जो अपने सभी स्कल के व्यूज में रहती है वर्टेक्स से 1 इंच ऊपर। तो कैसेट अपर बॉर्डर शुड बी 1 इंच अबाउट टू द वर्टेक्स ऑफ स्कल, कैसेट की अपर बॉर्डर 1 इंच ऊपर रहेगी स्कल के वर्टेक्स से। इसके बाद बात करेंगे अपने सेंटरिंग की। तो सेंट्रल रे ओवर द एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटोब्रेंस विद ट्यूब एंगल 10 डिग्री टू द फिट, सेंटरिंग कहाँ पे होगी, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटोब्रेंस पे, जो अपने पिछले व्यू में अपन ने की थी। एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटोब्रेंस कौन सा पार्ट होता है, ऑक्सीपिटल बोन का वह पार्ट, एक्सटर्नल मतलब बाहरी वह पार्ट जो ऊपर उभरा हुआ है, यानी जो अपने को पीछे फील होता है उसको बोलते हैं प्रोटोब्रेंस। और इसमें ट्यूब का एंगल कितना रहेगा, 10 डिग्री एंगल देंगे, किसकी तरफ, फिट की तरफ। उसके बाद बात करेंगे अपने रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस की, रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस में अपने को क्या दिखाई देगा। द फ्रंटल बोन विद सूचर्स इज वेल सीन, फ्रंटल बोन क्या है सूचर के साथ अपने को क्लियरली सीन होती है। ऑल फेशियल बोन्स आर सुपर इम्पोज ऑन बेस ऑफ स्कल, सभी फेशियल बोन्स क्या है स्कल के बेस पे सुपर इम्पोज होगी। नेजल सेप्टम ऑन ईच साइड आर क्लियरली सीन, नेजल सेप्टम और दोनों साइड के नेजल सेप्टम अपने को क्लियरली सीन होते हैं। टीथ आर सुपर इम्पोज ऑन अपर सर्वाइकल स्पाइन, टीथ क्या है अपर सर्वाइकल स्पाइन को सुपर इम्पोज करेगी। पेट्रस अपियर इन मिडल 1/3 पार्ट ऑफ ऑर्बिट, जो पेट्रस पोर्शन होता है टेम्पोरल बोन का वो क्या अपने को अपियर एंड दिखाई देता है 1/3 पार्ट में, ऑर्बिटल के 1/3 पार्ट में। पीए व्यू में फेशियल बोन्स क्या कैसेट के टच में रहती है, तो अपने को ज्यादातर फेशियल बोन क्लियरली सीन होती है। और एपी व्यू में क्या होता है, फेशियल बोन ऊपर और जो ऑक्सीपिटल बोन है वो टच में रहती है, तो अपने को ऑक्सीपिटल बोन यानी ऑक्सीपिटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन के पास के सारे पार्ट्स क्लियरली सीन होते हैं। इसमें एक्सपोजर रहेगा अपना डिस्टेंस,
100 सेंटीमीटर, केवी रहेगा 72, 80 एमएस रहेगा अपना 80, और ग्रिड का यूज अपने करेंगे। पहले पीए व्यू में क्या था, जिसमें अपन ने 0 डिग्री एंगल यूज किया था, जो पेट्रस पोर्शन है वो अपने को टेम्पोरल उस पे सॉरी ऑर्बिटल बोन पे पूरा सुपर इम्पोज हो रहा था, और सेकेंड व्यू था जिसमें अपने 10 डिग्री काउडियल एंगल था, उसमें पेट्रस पोर्शन क्या है ऑर्बिटल के मिडल से 1/3 पार्ट पे अपने क्लियरली सीन होता है। एक बार इनका रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला था अपना पी ए व्यू विद 0 डिग्री एंगल, और सेकंड था अपना पी ए व्यू विद 10 डिग्री काउडियल एंगल। इंडिकेशन थे इनके फैक्टर एंड पैथोलॉजीज कंडीशन। पेशेंट की पोजीशन क्या थी, पेशेंट प्रोन ऑन द टेबल इन ट्रू पी ए पोजीशन। पेशेंट क्या है, टेबल पे पी ए पोजीशन में लेटा हुआ होगा। उसके बाद पेशेंट का मिडल सर्टल प्लेन टेबल के परपेंडिकुलर रहता है, पेशेंट के ऑर्बिटो मिटल लाइन टेबल के परपेंडिकुलर रहती है, पेशेंट की ईयर पिना दोनों ईयर पिना क्या होगी टेबल से इक्वल डिस्टेंस रहेगी, पेशेंट के इंट्रा ऑर्बिटल और इंट्रा प्यूपिलरी लाइन टेबल के पैरेलल रहती है। उसके बाद बात आती है कैसेट की, पोजिशन ऑफ कैसेट, कैसेट की पोजिशन कहाँ लगाएंगे, जो अपना स्कल का वर्टेक्स पार्ट है उससे 1 इंच ऊपर रहती है कैसेट की पोजीशन। देखो 1 इंच ऊपर इसमें दिखाई गई है। और सेंटरिंग कहाँ करेंगे, जो अपना ऑक्सीपिटल प्रोटोबोन्स है, यानी जो ऑक्सीपिटल बोन का उभरा हुआ भाग अपने को दिखाई दे रहा है उस प्रोटोबोन्स पे सेंटरिंग करेंगे 0 डिग्री एंगल वाले में, और जिसमें था 10 डिग्री काउडियल एंगल तो उसमें क्या करेंगे प्रोटोबोन्स पे सेंटरिंग करेंगे और 10 डिग्री सॉरी फुट की तरफ एंगल दे देंगे, तो 10 डिग्री एंगल ये वाला हो जाएगा। इसमें क्या है टेम्पोरल बोन के ये वाले टेम्पोरल बोन के पेट्रस पोर्शन क्या है ऑर्बिटल पे फुल सुपर इम्पोज कंप्लीटली सुपर इम्पोज होंगे, और सेकंड में क्या है जिसमें 10 डिग्री एंगल दिया है उसमें पेट्रस पोर्शन ऑफ टेम्पोरल बोन क्या है ऑर्बिटल के मिडल 7/3 पार्ट में अपने क्लियरली सीन होता है। बाकी फेशियल बोन्स है वो क्या है स्कल के बेस पे सुपर इम्पोज हो जाएगी, टीथ क्या है अपर सर्वाइकल स्पाइन को सुपर इम्पोज करेंगे, और नेक्स्ट व्यू है वो अपने पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।